हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ साध्वी, और आज हम अपना केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले आपको कार्बन के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज कार्बन। तो कार्बन क्या है? कार्बन है पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 14 है, जो आपका पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जो ग्रुप 14 है, कार्बन उसी ग्रुप 14 का क्या है? मेंबर। ठीक है, कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 6। और कार्बन का जो सिंबल है, कार्बन का सिंबल क्या है? C। ठीक है, तो कार्बन क्या है? इट इज द मेंबर ऑफ ग्रुप 14 इन द पीरियोडिक टेबल विद सिंबल C, हैविंग एन एटॉमिक नंबर 6। ठीक है, अब कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, और कौन से होते हैं? वो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। कार्बन के 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं, वो कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्यूलरीन। ठीक है, तो सबसे पहला एलोट्रोप हम पढ़ेंगे, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट होता है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जो ट्रांसपेरेंट ना हो, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। और ग्रेफाइट किस कलर में होता है? मोस्टली ब्लैक। ठीक है, ग्रेफाइट जो है, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, बट बीइंग अ नॉन मेटल, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देन ग्रेफाइट सॉफ्ट इतना ज्यादा होता है कि उससे आप पेपर पे लाइन भी बना सकते हो। जो आपकी पेंसिल्स होती हैं, पेंसिल्स में भी आपके ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट सॉफ्ट इतना ज़्यादा होता है कि उससे आप पेपर पे एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रीक ऑन द पेपर। ग्रेफाइट जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? फॉर थर्मल इंसुलेशन, हीट को रोकने के लिए। ठीक है, तभी आप देखते हैं जैसे जो फायर फाइटर्स होते हैं, जो आग से बचाने वाले होते हैं, उन्होंने जो शील्ड्स पहनी होती हैं, उसमें ग्रेफाइट का यूज़ होता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो हीट को अपने आर पार नहीं जाने देता। इट इज़ अ थर्मल इंसुलेटर। ठीक है, थर्मल मीन्स हीट, तो इसीलिए ये ज़्यादातर फायर ब्रेक्स में या जो हीट की शील्ड्स बनाते हैं, सो दैट कि हीट से प्रोटेक्ट कर सके, उसमें यूज होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट इज, इट इज़ अ वेरी गुड लुब्रिकेंट। अगर आपको इसको एज अ लुब्रिकेंट यूज करना है तो आप कर सकते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड लुब्रिकेंट। नेक्स्ट इज डायमंड। नेक्स्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज डायमंड। तो डायमंड क्या है? इट इज हाईली ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और डायमंड जो है ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल होता है। इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल नोन। बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है डायमंड। आपको पता होगा कि डायमंड जो है वो ग्लास कटिंग में काम आता है। इसे आप ग्लास को कट कर सकते हो बहुत ही ज्यादा इजीली। ठीक है, देन डायमंड क्या है? एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। मीन्स डायमंड अपने में इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता। इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में जो डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। देखिए, ग्रेफाइट जो था, ग्रेफाइट एक थर्मल इंसुलेटर है एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, मीन्स वो अपने में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देता है, लेकिन हीट को आपने आर पार नहीं जाने देता। बट डायमंड जो है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को इंसुलेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को वो रेजिस्ट करता है अपने थ्रू जाने से, लेकिन डायमंड जो है वो हीट को कंडक्ट जरूर करता है। नॉर्मल कंडीशंस में जो डायमंड होता है, डायमंड की सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है। जितने भी मटीरियल्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है? डायमंड की। देन डायमंड क्या है? इट इज़ एन अल्टीमेट एब्रेसिव। एब्रेसिव क्या होता है? एब्रेसिव मीन्स जिसको आप पॉलिश कर सको। ठीक है, जिसको आप रगड़ सको या पॉलिश कर सको। तो डायमंड आपको पता है कि उसको जितना पॉलिश करते हैं वो उतना ज़्यादा शाइन करता है। ठीक है, तो डायमंड क्या है? इट इज़ एन अल्टीमेट एब्रेसिव। नेक्स्ट इज फ्यूलरीन। नेक्स्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज फ्यूलरीन। फ्यूलरीन का याद रखेगा, ये इसका क्या सिंबल होता है? C60। ठीक है,
तो जो ये फिलोरीन है, फिलोरीन किसकी तरह दिखती है, फिलोरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फिलोरीन जो है वो दिखती है आपको सॉकर बॉल जैसी, ठीक है? जो फिलोरीन है वो सॉकर बॉल जैसी दिखती है। फिलोरीन में होता क्या है, फिलोरीन में होते हैं 26 मेंबर रिंग्स और 12 फाइव मेंबर रिंग्स। किसकी? कार्बन एटम्स की। ऑब्वियसली कार्बन का एलोट्रोप है तो कार्बन एटम्स की रिंग्स होंगी, मींस 20 उसके पास कार्बन के 6 रिंग मेंबर्स है और 12 उसके पास कार्बन के 5 मेंबर रिंग्स हैं। मींस कार्बन के अगर 5 रिंग्स बनते हैं 5 मेंबर्स, तो वो 12 है, और कार्बन के जो 6 रिंग्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, 6 रिंग स्ट्रक्चर कार्बन का, वो कितने हैं उसके पास? 20। तो 26 मेंबर रिंग्स एंड 12 फाइव मेंबर रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है? जो फिलोरीन है, फिलोरीन क्या होता है, इट इज़ अ वंडरफुल लुब्रिकेंट। आप इसे एज अ लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। और जो फिलोरीन का जो कंपाउंड्स होते हैं, जो फिलोरीन के कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या आप कैसे यूज करते हैं उन्हें, एज अ सुपर कंडक्टिंग सबस्टांस, ठीक है? अगर आपको 10-40 केल्विन पे टेम्परेचर दिया जाए, उस पे आप फ्यूलिन को यूज़ कर सकते हो एज अ सुपर कंडक्टिंग सबस्टांस। देखिए, सुपर कंडक्टिंग कौन होते हैं, सुपर कंडक्टर्स कौन होते हैं? सुपर कंडक्टर्स वो सबस्टांस है जिनमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं होता। ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन आपको भी पता होगा कि बहुत सारे मेटल्स या बहुत सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, उनमें हमेशा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? उनमें रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से हीट बनती है, ठीक है? लेकिन सुपर कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस नहीं होती, उनमें हीट जो है वो किसी भी लेवल तक कंडक्ट हो सकती है। तो फिलोरीन्स जो होते हैं, फिलोरीन के कंपाउंड्स हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग सुपर कंडक्टिंग सबस्टांसेस, ठीक है? जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल है ग्राफीन। ग्राफीन एक सुपर कंडक्टर है, although it is an allotrope of carbon but it is a superconductor, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर कैसा है ग्राफीन का? ग्राफीन का स्ट्रक्चर कैसा है? वन एटम थिक प्लेनर शीट्स, मीन्स जो कार्बन एटम्स है, कार्बन एटम्स के बहुत ही एक एक एटम लेके उसके प्लेन शीट्स की तरह उसके स्ट्रक्चर्स हैं। वो प्लेन शीट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या किए गए हैं, पैक्ड, एक दूसरे के ऊपर पैक किए गए हैं, ऐसे शीट्स हैं, ऐसे ऐसे पैक किए गए हैं ग्राफीन जो है, इस तरह से एक एक एटम जो है उसको पैकिंग की गई है। और वो कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, लाइक अ हनी कॉम्ब, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है वैसा स्ट्रक्चर होता है ग्राफीन का, ठीक है? जो ग्राफीन टर्म है वो कैसे बनी, ये कॉम्बिनेशन बना किसका, ग्रेफाइट का, और जो सफिक्स है ईन, इसका ग्रेफाइट प्लस ईन, वो क्या बन गया, ग्राफीन। ये किसने कॉइन किया था, बाय हैंस पीटर ने, ठीक है? इन्होंने क्या, इन्होंने ही डिस्कवर किया सिंगल लेयर कार्बन फॉइल्स, मीन जो कार्बन की, जो कार्बन की लेयर्स है इन्होंने ही डिस्कवर किया उसमें सिंगल लेयर, उन्हीं सिंगल लेयर्स को जोड़ जोड़ के जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज नोन एज ग्राफीन, एंड ग्राफीन इज अ सुपर कंडक्टर। ग्राफीन एक क्या है, सुपर कंडक्टर। अब देखिए, जो ग्रेफाइट और डायमंड है ना, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, ठीक है? बीइंग अ नॉन मेटल वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसका रीजन क्या है, देखिए ग्रेफाइट में ना जो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं ना, उसमें हमेशा एक फ्री कार्बन एटम रहता है, ठीक है? लेकिन डायमंड में ऐसा नहीं होता, डायमंड में नो फ्री कार्बन एटम होता है। मतलब जो डायमंड का स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम्स ने अपने आसपास सभी कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर ली होती है, इसमें कोई भी फ्री बॉन्ड नहीं होता या कोई भी फ्री कार्बन एटम नहीं होता। बट ग्रेफाइट में हमेशा एक फ्री कार्बन एटम रहता ही रहता है, और यही फ्री कार्बन एटम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, वैसे ही ग्रेफाइट में जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है उसमें हमेशा एक कार्बन एटम फ्री रहता है, उसकी किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं होती। तो जो ग्रेफाइट में वो फ्री कार्बन एटम है वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है?
तो यही डिफरेंस है डायमंड और ग्रेफाइट में. ओके नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन या हाइड्रोजन प्रेजेंट हो. मेनली वो कार्बन और हाइड्रोजन के ही बने होते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होता ही है, उसके साथ साथ दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन्स. हैलोजन्स में आपके कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो किसके बने हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के, या फिर ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन तो होगा लेकिन उनके साथ साथ कुछ और एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन्स. हैलोजन्स में क्या आते हैं आपके? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने दो कंपाउंड्स यहाँ बताए हैं, यूरिया और एसिटिक एसिड. जो यूरिया है, यूरिया सबसे पहला सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिनको किसने डिस्कवर किया था? वोलर ने. ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, एंड एसिटिक एसिड क्या था? एसिटिक एसिड भी पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन ये सिंथेसाइज किया गया था लेबोरेटरी में. पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया दैट वाज एसिटिक एसिड. और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचुरली सिंथेसाइज किया गया था, जिसको डिस्कवर किया गया बाद में, दैट वाज यूरिया. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोकार्बन्स. तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं लेकिन हाइड्रोकार्बन्स पर्टिकुलरली किसके बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के. ठीक है, इसके तीन टाइप्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में तीन टाइप्स होते हैं. पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तीसरे होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. दोज कंपाउंड्स कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स. दीज कंपाउंड्स कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स. मतलब कि जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है वो कितनी है? सिंगल बॉन्डिंग. ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग है वो कितनी है? वो सिंगल बॉन्डेड है. ठीक है, मीन्स कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है. ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आप और क्या बोलते हो? एल्केन्स या फिर पैराफिन्स. ठीक है, और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2. और ये n की वैल्यू जो है इट रेंजेस फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन. ठीक है, जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं वो. ठीक है, तो जितने भी कार्बन के एटम्स होंगे वही नंबर आपने हाइड्रोजन में डालना है तो आपका एल्केन बन जाएगा. ये एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहला मेंबर कौन सा होता है? मीथेन. ठीक है, सबसे पहला मेंबर इस ग्रुप का कौन सा होता है? मीथेन. देखिए कैसे, अगर मीथेन का नंबर वन है तो C1H2 × 1+2 वो कितना बन जाएगा? CH4. ये मीथेन का फॉर्मूला है. ठीक है, तो मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप. नेक्स्ट आपके आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं या वो कंपाउंड्स हैं जिनमें या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, मींस कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा. ठीक है, जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं उनका नाम क्या होता है? एल्कीन्स. और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनका नाम होता है एल्काइन्स. ठीक है, दीज हैव एटलीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड आर कॉल्ड एल्कीन एंड एल्काइन्स रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली में कैसे?
एल्कीन के लिए डबल और एल्काइंस के लिए ट्रिपल, ठीक है। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? देखिए, एल्कीन के लिए जनरल फार्मूला है CnH2n, ठीक है, और एल्काइंस के लिए क्या फार्मूला है? CnH2n-2, ठीक है। एल्कीन्स के लिए जनरल फार्मूला है CnH2n, एल्काइंस के लिए जनरल फार्मूला है CnH2n-2, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर कौन कौन से बने? जो एल्कीन के फर्स्ट मेंबर है उसका नाम है इथाइलीन, और जो एल्काइंस का फर्स्ट मेंबर है उसका नाम है एसीटाइलीन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें रिंग स्ट्रक्चर होता है। देखिए, जो आपके ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है ना, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? चेन स्ट्रक्चर, ये चेन स्ट्रक्चर में होते हैं सभी के सभी, सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड भी। लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है? रिंग स्ट्रक्चर, जो इस तरह के होते हैं रिंग स्ट्रक्चर, और जिनमें डबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो ऑल्टरनेट होते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए, जो आपके अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके भी रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन उनमें नॉर्मली डबल बॉन्ड्स की या ट्रिपल बॉन्ड्स की ऑल्टरनेशन नहीं होती। लेकिन एरोमेटिक ऐसे होते हैं जिनका होता ही रिंग स्ट्रक्चर है विद ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कैसा स्ट्रक्चर होता है? रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स हैं जिनका रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इनके रिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड्स की हमेशा क्या होती है? ऑल्टरनेशन, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, कभी एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के डबल बॉन्ड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए, जो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है? रिंग, ठीक है। जो नॉर्मली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। जो आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर यूजली चेन स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? चेन की फॉर्म में। इनकी आगे क्या बनी होती है? ब्रांचेस, ठीक है। लेकिन जो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है? रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला मेंबर कौन सा है? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। देखिए, बेंजीन ऐसा दिखता है, ये वाले यहाँ पे कार्बन एटम्स होते हैं, यहाँ पे कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, तो ये ऐसे होगा, पहले एक डबल बॉन्ड होगा, फिर एक छोड़ के सेकेंड डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के ऐसे, ठीक है। या तो ऐसे भी होता है कभी, कभी यहाँ होगा, फिर ये छोड़ के यहाँ, फिर ये छोड़ के यहाँ, ठीक है। तो ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, C6H6। तो ये इस टाइप के जो रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका नाम होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इसका सबसे पहला मेंबर कौन सा है? बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट आपके आते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप कोई भी ऐसा एटम या कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स, कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप ऑफ एटम जिसकी वजह से जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है, ठीक है। मतलब कि फंक्शनल ग्रुप आपके ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स हैं या ऐसा एटम है जो अगर आप अपने हाइड्रोकार्बन में ऐड करते हो तो उस हाइड्रोकार्बन की या उस कंपाउंड की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं? जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, और कुछ ईथर ग्रुप्स, और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लेकिन जो SI के हिसाब से आपको इतने ही याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं आपके? एक अल्कोहल होता है, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईथर, ठीक है।
अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? OH मींस ये कार्बन, जो आपकी कार्बन चेन होती है, जो आपके हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, उसमें ये लास्ट में लगता है OH, एज OH। ठीक है, तो खुद ही देखिए, जब आपने किसी हाइड्रोकार्बन में अल्कोहल ग्रुप को ऐड कर दिया तो वो आपका पूरा का पूरा सबस्टांस जो है, या पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है, वो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? CHO। ये भी चेन के लास्ट में लगता है, अल्कोहल भी चेन के लास्ट में ही लगता है यूजली, CHO भी चेन के लास्ट में ही लगता है। कीटोन्स जो होते हैं, कीटोन का फॉर्मूला कैसा होता है? सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ये नॉर्मली चेन के मिड में लगता है, जो मिड ऑफ द चेन, ये दो कार्बन एटम्स के बीच में लगता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हाइड्रोकार्बन्स में ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा? एसिडिक सबस्टांस। ठीक है, फिर आपके इसमें आते हैं आपके ईथर ग्रुप्स, तो दीज आर सम फंक्शनल ग्रुप्स जिसकी वजह से आपके कंपाउंड की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अब इसमें आपने कुछ पढ़ने हैं यूजेस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आपका आता है मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। ठीक है, तो मीथेन किस काम आता है? मीथेन जैसे आप प्रिंटर की इंक मैन्युफैक्चर करने के काम आता है। ठीक है, या मीथेन को अगर आपने अल्कोहल ऐड करना है, उसमें उसको अल्कोहलिक सबस्टांस बनाना है, तो वो मिथाइल अल्कोहल बनाने के काम आता है। या फिर मीथेन जो है, मीथेन गैस यूज होती है टू ऑब्टेन लाइट एंड एनर्जी। ठीक है, मीथेन को गैसेस फॉर्म में यूज किया जाता है टू ऑब्टेन लाइट एंड एनर्जी। फिर आपका आता है इसमें इथाइलीन, तो इथाइलीन का क्या फॉर्मूला होता है? C2H4। ठीक है, इथाइलीन इज C2H4। इथाइलीन किस काम आता है? इथाइलीन आता है मस्टर्ड गैस प्रिपेयर करने में, एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। देखिए, फ्रूट्स में नेचुरली प्रेजेंट होता है इथाइलीन, जो फ्रूट्स में हॉर्मोन्स होते हैं, प्लांट के जो हॉर्मोन्स होते हैं, प्लांट में एक हॉर्मोन होता है दैट इज नोन एज इथाइलीन। इथाइलीन का काम क्या होता है? इथाइलीन का काम होता है फ्रूट्स की राइपनिंग करना, फ्रूट्स को पकाना। ठीक है, जो फ्रूट्स पक जाते हैं पेड़ों पे, वो किस वजह से पकते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इथाइलीन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ग्लाइकॉल, तो ग्लाइकॉल का फॉर्मूला है C2H6O2। ठीक है, ग्लाइकॉल इज C2H6O2। ठीक है, ग्लाइकॉल जो है, ग्लाइकॉल आप किस लिए यूज करते हो? एंटी फ्रीज मिक्सचर इन कार रेडिएटर्स, जो गाड़ी के रेडिएटर्स होते हैं उनमें आप यूज करते हो ग्लाइकॉल, ताकि वो फ्रीज ना हो जाए, एंटी फ्रीज मिक्सचर। ठीक है, और दूसरा जो स्पेस क्राफ्ट वगैरह होते हैं, जो स्पेस में जैसे रॉकेट्स वगैरह होते हैं, स्पेस क्राफ्ट होते हैं, उन स्पेस क्राफ्ट का जो फ्यूल होता है वो फ्रीज ना हो जाए ड्यू टू कोल्ड टेम्परेचर, तो उसमें क्या यूज किया जाता है? ग्लाइकॉल। इट प्रिवेंट्स द फ्रीजिंग ऑफ फ्यूल इन स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसमें एसिटाइलीन, तो एसिटाइलीन का फॉर्मूला इज C2H2। ठीक है, एसिटाइलीन किस काम आता है? एसिटाइलीन एक तो लाइट जनरेट करने के काम आता है, दूसरा मेटल्स की अगर वेल्डिंग करनी हो तो काम आता है, टू वेल्ड द मेटल्स, एंड थर्ड इज कभी आपको सिंथेटिक रबर प्रिपेयर करना हो, जैसे इंडस्ट्रीज में सिंथेटिक रबर प्रिपेयर होता है, तो उसमें भी हम क्या यूज करते हैं? एसिटाइलीन, टू प्रिपेयर सिंथेटिक रबर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला इज CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है? CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म आपको सबने सुना होगा, क्लोरोफॉर्म इज अ वेल नोन टर्म, तो क्लोरोफॉर्म तो आपको पता है इट इज यूज एज एन एनेस्थेटिक, बेहोश करने के काम आता है ड्यूरिंग ऑपरेशंस या
जब कोई किसी को किडनैप करता है तो भी वो क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं, तो बेहोश कर देते हैं, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म किससे काम आता है, जैसे कभी आपने कोई भी प्लांट या एनिमल सबस्टांस अगर आपने लिया हो उसको प्रिजर्व करने के काम आता है, ठीक है। कोई भी प्लांट प्रोडक्ट हो या एनिमल प्रोडक्ट हो उसको प्रिजर्व करने के काम आता है क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म जो है इसको जब आप जब भी कभी आप सनलाइट में एक्सपोज करो, क्लोरोफॉर्म को जब भी सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है या जब भी कभी इसको सनलाइट में रखा जाता है, ये हमेशा कन्वर्ट हो जाता है इनटू पॉइजनस गैस जिसका नाम है फॉस्गीन। फॉस्गीन, ठीक है। जब भी कभी इसको सनलाइट में रखा जाता है तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, फॉस्गीन में। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को हमेशा किस में रखते हैं, डार्क बॉटल्स। इट इज ऑलवेज केप्ट इन डार्क बॉटल्स ताकि ये सनलाइट के एक्सपोजर में ना आए और ये फॉस्गीन में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है CH3OH, ठीक है। देखिए जब आपने फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल ऐड किया तो इस मीथेन की पूरी प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई, मीथेन बन गया आपका मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल जो है इसको किस कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं विद पेट्रोल। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल विद पेट्रोल। दूसरा जो आपने वार्निश बनाने होते हैं लकड़ियों को वार्निश करने के लिए या पॉलिशेस वगैरह बनाते हैं उसमें सिंथेसाइज करने के लिए यू यूज़ मिथाइल अल्कोहल। और कभी कभार आपको इथेनॉल का नेचर जो है, इथेनॉल को डी नेचर करना हो, इथेनॉल की बॉन्डिंग तोड़नी हो, तो भी आप उसमें क्या यूज़ कर सकते हो, मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट इज ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है, ग्लिसरीन का फॉर्मूला क्या है, ग्लिसरीन इज C3H8O3। ग्लिसरीन का फॉर्मूला होता है C3H8O3। यस, तो ग्लिसरीन किस काम आता है, ग्लिसरीन काम आता है एक्सप्लोजिव सिंथेसाइज करने के लिए, जो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स होते हैं उनको सिंथेसाइज करने के लिए, या नाइट्रोग्लिसरीन सिंथेसाइज करने के लिए, जो हम स्टैम्प यूज़ करते हैं, उस स्टैम्प की जो इंक होती है उसको सिंथेसाइज करने के लिए ग्लिसरीन यूज़ किया जाता है, या जो ये बूट पॉलिशेज होते हैं इसमें ग्लिसरीन यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड को आपको पता है इसका सेकेंड नेम क्या है, मिथेनोइक एसिड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मिक एसिड का, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2O2, HCOOH और CH2O2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है, या मिथेनोइक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड किस काम आता है, एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर फ्रूट्स एंड जूसेस। जो फ्रूट्स और जूसेस के लिए हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं उसमें काम आता है फॉर्मिक एसिड। दूसरा, लेदर इंडस्ट्री में भी फॉर्मिक एसिड का यूज होता है, और जब रबर की कोगुलेशन करनी हो उसमें भी फॉर्मिक एसिड का यूज होता है। एंड यू ऑल्सो नो जो एंट के स्टिंग होते हैं, एंट स्टिंग में भी फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेटल प्लांट के लीव्स के स्टिंग में भी फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है, या तो आप इसको एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड किस में काम आता है, इट इज़ यूज इन विनेगर, ठीक है, विनेगर में यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है, और एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं इसको लेबॉरेटरी में। मीन्स कभी कभी आपको कोई भी कंपाउंड्स बनाने हो, कोई भी मिक्सचर बनाना हो, तो हम कभी एसिटिक एसिड को एज अ सॉल्वेंट भी लेते हैं वाटर की जगह, ठीक है, तो इट इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट। फिर नेक्स्ट आपका आता है ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2O4, ठीक है,
C2H2O4, इट इज़ नोन एज ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड किस में काम आता है? क्लोथ्स की प्रिंटिंग में, जो प्रिंटिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं कपड़ों के ऊपर लाइक डिज़ाइन प्रिंट करने के लिए, या फोटोग्राफी की जो रील्स होती हैं उसमें हम ऑक्सैलिक एसिड यूज़ करते हैं, या जो कोल टार होता है, कोल टार बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका इसमें आता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल का क्या फॉर्मूला है? C2H5OH। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल किसमें काम आता है? एज अ लिक्वर, जो आप ये ड्रिंक्स वगैरह जैसे बियर वाइन वगैरह जो होती है, इसमें इथाइल अल्कोहल का यूज़ होता है। एज एन इंसेक्टिसाइड भी आप इसको यूज़ कर सकते हो टू प्रिवेंट दी इंसेक्ट्स, और इसको पेट्रोल के साथ भी यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस हैं ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो उसके बाद आपको इसमें मैंने कुछ चीज़ें दिखवाई हैं, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे बेवरेजेस हैं जिनमें आपको अल्कोहल की परसेंटेज और कौन कौन से रॉ मटेरियल्स उसमें यूज़ किए गए हैं वो बताने जा रही हूँ मैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला बेवरेज है रम। ठीक है, रम में कितना परसेंट अल्कोहल होता है? 45-55% अल्कोहल। और रम किससे बनता है? जो मोलासेस होते हैं, मोलासेस की जब फर्मेंटेशन की जाती है तो वो क्या बनता है? रम। देन आता है आपका ब्रांडी, तो ब्रांडी में कितना परसेंट अल्कोहल होता है? 42-50%। और इसके रॉ मटेरियल क्या होते हैं? ग्रेप्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें आता है विस्की, विस्की में कितना परसेंट अल्कोहल होता है? सेम 40-50%। और विस्की का रॉ मटेरियल क्या होता है? बार्ले। नेक्स्ट आपका आता है इसमें बियर, तो बियर में अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? 3-6%। ठीक है, और इसका रॉ मटेरियल क्या होता है? बार्ले। ठीक है, बार्ले की जब फर्मेंटेशन करते हैं तो उसमें 3-6% हम अल्कोहल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसमें शैम्पेन, तो शैम्पेन में अल्कोहल की परसेंटेज कितनी होती है? 10-15%। और इसके भी रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? ग्रेप्स। नेक्स्ट आपका आता है इसमें साइडर, तो साइडर में जो अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज 2-6%। और इसका रॉ मटेरियल क्या होता है? एप्पल। आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो एप्पल को जब फर्मेंट किया जाता है उसमें हम 2-6% अल्कोहल मिक्स करते हैं, तो वो आपको कौन सा सबस्टांस दे देता है? साइडर। इसका बहुत ही ज़्यादा शार्प फ्लेवर होता है, बहुत शार्प और पंजेंट स्मेल होती है इसकी, बड़ी ही तेज स्मेल होती है और इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा शार्प होता है। ठीक है, तो ये आपका था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आई मीन कार्बोनेट्स कंपाउंड्स। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसके जो PDFs हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और जो इसके टेस्ट हैं वो आपको ऐप में मिल जाएंगे। ठीक है, जो टेलीग्राम और उस टेस्ट का जो ऐप है उसके आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हैव अ गुड डे।